चौथे चरण के चुनाव से पहले बिहार का बेगूसराय काफी चर्चाओं में रहा था, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद भी बेगूसराय की चर्चा कम नहीं हुई है। दरअसल बेगूसराय के सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार का एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उस फोटो में कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार कर रही है। हाथ जोड़े कन्हैया अपने चुनाव गाड़ी पर खड़े हैं और लोगों का अभिनंदन कर रही हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि उनके चुनाव गाड़ी पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की तस्वीर लगी है। कन्हैया के इस फोटो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग इसकी इजाजत कैसे दे सकता है। लेकिन इस फोटो की सच्चाई कुछ और है, जिसे बिना जाने ही लोग इसे शेयर किए जा रहे हैं। दरअसल देखने से ये फोटो कन्हैया के किसी रैली की लग रही है, लेकिन पड़ताल करने पर पता चला कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही है वो सही नहीं है। दरअसल असली तस्वीर को फोटोशॉप की मदद से काट छाट कर उसमें आतंकवादी अफजल गुरु की तस्वीर लगा दी गई है। जहां अफजल की तस्वीर दिख रही है, असल में वहां सीपीआई के चुनाव चिन्ह का फोटो लगा हुआ है। ऐसे में ये पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि ये तस्वीर फोटोशॉप्ड है। कौन है अफजल गुरु? जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले का रहने वाला अफजल गुरु भारतीय संसद पर हमले का दोषी था, जिसे 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई। 13 दिसंबर 2001 में भारतीय संसद में हमले के मास्टरमाइंड अफजल को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ही फांसी की सजा सुना दी थी। अफजल गुरु वारदात के समय MBBS की पढ़ाई कर रहा था। IAS की परीक्षा की तैयारी करने वाला अफजल बाद में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य बना और वहीं से उसने आतंकी ट्रेनिंग ली। बता दें कि भारतीय संसद हमले में जैश ए मोहम्मद के साथ लश्कर ए तैयबा के भी आतंकी शामिल थे। इस हमले में एक महिला कांस्टेबल सहित 7 सुरक्षा जवान मारे गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी कन्हैया कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। 25 सेकंड के वीडियो में कन्हैया ये कहते सुनाई देते हैं, हनुमान जी जो हैं वर्किंग क्लास देवता हैं, कहीं भी आपको मिल जाएंगे। दूसरे की पत्नी जो है उनका अपहरण हुआ, उनकी लंका जला दी गई। सुग्रीव दोस्त था ना राम जी का, सुग्रीव के लिए धोखा तक करने के लिए तैयार हो गए राम जी। इनकी दोस्ती बड़ी चीज है। जिसके बाद यूजर्स ने कन्हैया पर हनुमान और महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा दिया, लेकिन पड़ताल के बाद वीडियो फर्जी निकला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कन्हैया ने चंपारण के मोतिहारी में भाषण दे रहे थे। ये उस समय की बात है जब वो सीपीआई के करीबी माने जाने वाले छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के नेता थे। कन्हैया के भाषण को काट छांट कर 25 सेकंड का वीडियो बनाया गया और उसमें कन्हैया की बात को एडिट कर दिया गया। भाषण में कन्हैया जो बात कर रहे हैं वो इस तरह से है, भगवान हनुमान ने दूसरे व्यक्ति की पत्नी के लिए लंका जला दी, मगर उन्हीं भगवान हनुमान के नाम पर हमारे अपने लोग जलाए जा रहे हैं। हमारा देश भगवान राम की परंपराओं वाला देश है, जहां हम सबड़ी के झूठे फल खा लेते हैं और सौतेली माँ की खुशी के लिए आराम भरी जिंदगी को भी छोड़ देते हैं। अपने भाषण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कन्हैया कहते हैं कि योगी जी भगवा रंग का चोला पहनकर जंगल से आते हैं और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते हैं। फिर वो दावा करते हैं कि राम के भक्त हैं, भगवान राम तो अपना सिंहासन छोड़कर जंगल चले गए थे। तो बहुत फर्क है जो आपको समझना चाहिए। हिंदू और मुसलमानों के विभेद पर बात करते हुए कन्हैया कहते हैं कि भगवान राम ने दोस्ती को अपने आदर्शों से भी ऊपर माना था, मगर इन लोगों ने उनके नाम पर रेखाएं खींच दी है। कन्हैया के भाषण के इन बातों को ही काट छाट कर एडिट करके फर्जी वीडियो बनाया गया था। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार साल 2016 में JNU में कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के बाद चर्चा में आए थे। कन्हैया CPI के टिकट पर बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट पर कन्हैया का मुकाबला BJP के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह और राजद के कैंडिडेट तनवीर हसन से है। चुनाव के दौरान देश में चारों ओर बेगूसराय सीट की चर्चा हुई। बॉलीवुड और राजनीति के फेमस चेहरे भी कन्हैया कुमार के समर्थन में जमकर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। इस फेहरिस्त में स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर, जिग्नेश मेवाणी, शबाना आजमी और प्रकाश राज जैसे सितारे शामिल रहे हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। शुक्रिया।